तो देख सकते हो कितना बड़ा ब्रेड का पैकेट है ये, और हमारे 12 सैंडविच लगने वाले हैं एक साथ। तो देख सकते हो कितनी बड़ी बिल्डिंग की तरह लगा हुआ है यहाँ पे। तो भैया एकदम फ्रेश खुद के बनाते हो ये सारा जितना ये बेकरी का आइटम है ना, हमारा बेकरी में ही प्रोडक्ट है, अपना खुद बनाते हैं ना, खुद बनाते हैं एकदम फ्रेश ब्रेड बनाते हैं यहाँ पे, फ्रेश ब्रेड पे बनाते हैं सैंडविच। तो देख सकते हो ये सैंडविच लेने जा रहे हैं, ये 12 पीस लगेंगे, ये कट के 12 हो जाएंगे। तो कौन सा सैंडविच लगाने वाले हो आप? ये सर पिज्ज़ा सैंडविच की मेकिंग हो रही है। पिज्ज़ा सैंडविच, ठीक है। तो रक्चर बेकरी के आप यहाँ पे पिज्ज़ा सैंडविच लगते हुए देखोगे यहाँ पे। सबसे पहले सर लाएंगे जो 1000 क्या लगाने जा रहे हो? 1000 सॉस। 1000 सॉस, ठीक है। तो ये अच्छे से इसकी लेडिंग कर रहे हैं ताकि अच्छे से स्प्रेड हो जाए इस पर। तो देख सकते हो यहाँ पे बढ़िया तरीके से सॉस लग चुकी है यहाँ पे। क्या क्या है ये? मैं कैबेज और मेयोनीज। कैबेज और मेयोनीज, ठीक है। भैया कितना टाइम हो गया शॉप को? सर यहाँ पे तो 9 मंथ हुए हैं। वैसे 12 साल पुरानी दुकान है। वैसे 12 साल पुरानी दुकान है। तो रैप्चर बेकरी से पहले ये विश्वास नगर बी ब्लॉक मार्केट में थी, ठीक है। बी ब्लॉक मार्केट में थी एक बार में। तो शॉप का नाम है रैप्चर बेकरी और आप यहाँ पे देख सकते हो यहाँ पे सैंडविच लग रहे हैं बहुत सारे एक साथ। पिज्ज़ा सैंडविच लगने वाला है यहाँ पे। तो भैया प्राइस क्या रहता है इसका? 40 रुपीज़। वन स्लाइस 40 रुपीज़। बहुत बढ़िया। तो ये देख सकते हो ये ऊपर से आ गया ब्रेड। तो एक लेयर आ गई ऊपर से, इसके ऊपर एक और लेयर लगेगी। हाँ जी, इसके ऊपर वेजीज आएंगी, अभी एक राइस कटेगी इसकी साइड, ठीक है। तो देख सकते हो इन्होंने सैंडविच अलग कर दिए हैं, अब इसकी कटिंग करेंगे। तो ये ब्राउन लेयर हटा रहे हैं साइड से। तो कितनी बढ़िया कटिंग हो गई यहाँ पर। भैया शॉप की टाइमिंग क्या रहती है? सर 9 बजे ओपन होती है सुबह, शाम को 10-10:30 बजे तक। और वीक में कितने दिन ओपन रहता है ये? 7 डेज ओपन है। 7 डेज ओपन है। इसका एड्रेस बता दीजिए एक बार। विश्वास नगर 60 रोड करण गली, ठीक है। तो ये सैंडविच लगा दिए इन्होंने एक साथ। तो लगाएंगे सर स्प्रेड। ये कौन सा स्प्रेड है? तंदूरी। तंदूरी स्प्रेड। तो ये देखिए ये आ गया तंदूरी स्प्रेड। तो ये देखिए ये पूरा एकदम बढ़िया तरीके से लगा दिया है ब्रेड के ऊपर। बेल पेपर क्या क्या कौन कौन सी है? रेड, येलो, ग्रीन। और साथ में क्या डाला है ये? इसमें लिक्विड चीज़ और मेयोनीज है। लिक्विड चीज़ और मेयोनीज, ठीक है। तो देखो एकदम जेली की तरह लग रहे हैं ये, कलरफुल एकदम, बहुत ही बढ़िया। तो ये 3-4 टाइप के इन्होंने बेल पेपर्स डाल दिए इसमें। ये आगे लिक्विड चीज इनकी। और आंसर इस पे ब्लैक ऑलिव, ये लगने जा रहे हैं ब्लैक ऑलिव। ये पैक होगा, ठीक है। तो ये रेडी हो चुके हैं, अब इसकी पैकिंग भी देख लेते हैं एक बार। ऐसे तो अब यहाँ पे इसकी पैकिंग होने जा रही है। तो भैया कोल्ड सैंडविच रहता है? हाँ सर, ठीक है।
देखो कितना बढ़िया लग रहा है देखने में ये पिज्ज़ा सैंडविच टक्चर बेकरी। तो प्राइस क्या रहता है इसका? ये 40 का है। 40 रुपीज़, ठीक है। तो देख सकते हो यहाँ पे मेरा पिज्ज़ा सैंडविच लग चुका है। तो एकदम इन्होंने सैंडविच को पिज्ज़ा इधर रेडी कर दिया है। टॉपिंग से देख सकते हो कितनी बढ़िया, एकदम पूरा पिज्ज़ा ही लग रहा है, मिनी पिज़्ज़ा लग रहा है ये। तो ये कोल्ड सैंडविच होता है, ये बेक नहीं होता है। तो ये यहाँ पे रेडी हो चुका है, इसको चलो मैं टेस्ट कर लेता हूँ। तो इसका मैं आपको प्राइस बता दूँ, इसका प्राइस है 40 रुपीज़। और ऊपर से देख सकते हो कितने बढ़िया से चीज़ डली हुई है, मेयोनीज डली हुई है और बेल पेपर ऊपर से डाले हुए हैं। तो सैंडविच एकदम परफेक्ट बना हुआ है, एकदम चीज़ बहुत ही बढ़िया से डाला हुआ है। जो इन्होंने सॉसेज यूज़ किए बहुत ही बढ़िया है। तो इनका कॉम्बिनेशन मुझे बहुत ही बढ़िया लगा, वेजी से इन्होंने फ्रेश यूज़ किए और ब्रेड भी देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा फ्रेश है, मज़ा आ गया। तो मैं इसको यहाँ पे जल्दी से फिनिश करता हूँ और मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट वीडियो में।